बॉबी झा MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। ये देखते हैं आज की खास खबर। मोदी ने अपने कोच आडवाणी को दो चाटे मारे, कहा अब तुम्हारी जरूरत नहीं। राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ऊना रैली में निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने अपने कोच लाल कृष्ण आडवाणी को दो चाटे मारे और कहा कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। राहुल ने कहा कि मोदी ने अपनी टीम में से सबका अपमान किया है। टीम में सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी तक की नहीं सुनी। आधी रात को नोटबंदी लागू कर दी, ना ही जनता और ना ही RBI से पूछा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री का काम चौकीदारी करना नहीं बल्कि देश के लोगों की भलाई करना है। अगर मोदी चौकीदार कर रहे हैं तो फिर राफेल का 30,000 का घोटाला कैसे हुआ। ललित मोदी ने राजस्थान की CM के बेटे के खाते में पैसा डाला। मेहुल चौकसी ने अरुण जेटली के बेटे के खाते में पैसा डाला और पीएम मोदी ने अनिल अंबानी के खाते में 45,000 करोड़ डाले। राहुल ने न्याय योजना के तहत गरीबों को हर साल 72,000 रुपए देने का वादा फिर दोहराया। राहुल ने GST को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं दुकानदारों की जेब से पैसे निकाला, इससे दुकान पर ताले लटक गए। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के समय में देखने को मिली। कहा कि मोदी सरकार ने लोगों के खाते में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, लेकिन ये जुमला ही साबित हुआ। आडवाणी ने अटल जी को धमकी देकर बचाई थी नरेंद्र मोदी की कुर्सी। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी के बारे में एक नया खुलासा किया। सिन्हा ने दावा किया है कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद अटल गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्खास्त करना चाहते थे, लेकिन इससे खफा होकर पार्टी के नंबर दो रैंक्स के नेता लाल कृष्ण आडवाणी के केंद्रीय गृह मंत्री के पद से त्याग पत्र देने की धमकी दे डाली, जिसके कारण मोदी की बर्खास्त रुक गई। भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में BJP के पूर्व कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा कहा, यह बिल्कुल सही है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के बाद यह तय कर दिया था कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। पाकिस्तान एयर स्पेस से भारत में दाखिल विमान को IAF विमानों ने जयपुर में उतारा। इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइट जेट प्लेन्स ने पाकिस्तान से आ रहे हैवी कार्गो प्लेन को रोका है और उसे जयपुर हाईवे अड्डे पर लैंड करवाया है। प्लेन के पायलट से पूछताछ जारी है। इस प्लेन का नाम एंटोनोव AN-12 बताया जा रहा है और पाकिस्तानी वायु स्पेस से भारतीय वायु स्पेस में घुस गया था। तो MNS न्यूज आपकी खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।